ऑफ वडोदरा। वर्षोनी परंपरा मुजब खजानसा बाबानी दरगाना बंदगीदारों तरफ थी गाय माता ने घासना पूरा खवड़ावामां आव्या हता। वर्षोनी परंपरा मुजब वडोदरा महानगर सेवा सदनना खासवाड़ी ढोर डब्बा खाते ज्यां गाय माता रहे छे त्यां आवीने खजानसा बाबा दरगाना सदस्ये पोते गाय माता ने घासना पूरा खवड़ाव्या हता। आ वर्षोनी परंपरा मुजब लोको अहीं आवे छे, देश में भाईचारो एकता जळवाई रहे तेवो संदेश पण तेमणे आप्यो हतो। सेवा करने के लिए आए और वो चार पांच लाख वाला हाँ ये हाथ लगा दूंगा जरा नौकरी वाला कंधे वालों में देंगे आस्था ने पे हर एक किस्म की बीमारी हटी नहीं कहीं जिंदगी के ए उ नहीं आज पुनम लगी है तो पुनम आज तो आपको कुछ पड़ा हमने आ कहीं 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 आप कुछ किसान आप उन दिनों गम्मा है बेंद नवासु नाम से जे कैसा राजिया कोई राजा कोई फकीर बाब बाजी गर्जी बाजिया अलाई जे छामे राजिया है अलाई जे कैसा क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रेखा। ओके कहाँ से आए? मंसूर से आए और दुआ करता हूँ गायों की सेवा हुई मेरी बहुत दिल खुश हो गया। ये मेरी मोहब्बत है हक मोइन आया हूँ मैं खास वाली किसान के पास में जो गायों का डब्बा है जहाँ गाय बंद करी जाती है वहाँ यहाँ आकर सेवा करने का एक मौका लिया है। जो गायों को घास डालने का ऐसा अमर दादा का भी वरदान है कायमुद्दीन दादा पादरा के पास एक चल वाला जो गांव है वहाँ आपका वरदान था और है कि घर घर गाय पालो वो आपका वरदान था। शुद्ध शाकाहारी थे हमारे दादा। आज भी इनकी समाधि पे हजारों लोग भक्त भजन करते हैं कव्वाली करते हैं मेला होता है उस वक्त। तो आपके दादा के वरदान के मुताबिक गायों को हाथों से घास खिलाने के जो तमाम जो डब्बे में रहती गाया मकाम हमारा वो है खास पानी हक मोइन बाबा। आप कब से आते हैं यहाँ पे? मैं ऐसे सालों से कई सदियों से आज मेरे दादा का वरदान को लिए मैं अक्सर खिलाया करता हूँ जानवरों को और जानवरों से मेरे को बहुत मोहब्बत है जो मोहब्बत के कारण मैं अक्सर मैं जानवरों को खिलाता हूँ और मेरे आस्था ने भी हमारा 18 को आवाज दी सेवा करने के लिए। ये अपन दर गया आज है हाँ एक क्वार्टर समय के घास सेवा मापे जी क्या आगल सेवा मापे जी खास वही ढोड़ डबे सूझ जाती है आगल ये ढोड़ से गाय राखी दीजिए बजी क्वार्टर समय अकेला वक्त आप जा लोगों घर टाइम से आप